हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल साइन अप आर्ट में स्वागत है। आज मैं क्रॉस स्टिच से एक बहुत ही पुरानी फ्लावर की डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल सा और इजी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं नीचे की तरफ 32 क्रॉस स्टिच का गैप छोड़ के यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 3 क्रॉस स्टिच का एक बॉक्स बना लूँगी। अब मैं कॉर्नर करके 3 क्रॉस स्टिच बना लूँगी। अब मैं क्या करूँगी, ये जो 1, 2, 3, 4 ये जो फोर्थ वाला क्रॉस स्टिच है, इसके लेफ्ट साइड में मैं एक क्रॉस स्टिच बना लूँगी और राइट साइड में भी एक क्रॉस स्टिच बना लूँगी। अब इसके ऊपर यहाँ पर एक क्रॉस स्टिच बनानी है। और लेफ्ट साइड में भी हमें एक और क्रॉस स्टिच बनानी है यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगी, इसके नीचे ये जो 3 नंबर वाला जो क्रॉस स्टिच है, इसके लेफ्ट साइड में मैं एक क्रॉस स्टिच बना लूँगी, राइट साइड में भी एक क्रॉस स्टिच बना लूँगी। अब इसके ऊपर हमें 2-2 क्रॉस स्टिच बना दिए। इस तरफ भी सेम तरीके से बनानी है हमें। तो ऐसा सेम मैं ये वाले कॉर्नर, ये और ये, और तीनों कॉर्नर में मैं बना लूंगी। Thank you.
तो देखिए मैंने चारों कॉर्नर पे सेम डिज़ाइन कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, ये वाला जो क्रॉस स्टिच है इसके ऊपर इस कॉर्नर करके ऊपर की तरफ 7 क्रॉस स्टिच बनानी है। अब इसके बाईं तरफ 5 क्रॉस स्टिच बनानी है, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ एक एक क्रॉस स्टिच हमें छोड़ देनी है। अब इसके लेफ्ट साइड में हमें 3 क्रॉस स्टिच बनानी है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एक एक क्रॉस स्टिच छोड़ देनी है। हमें राइट साइड पे भी सेम तरीके से बना लेनी है। अब हमें क्या करनी है, 1, 2, 3, 4, 5 ये जो 5th नंबर वाला घर है यहाँ से हमें ऊपर की तरफ 4 क्रॉस स्टिच बनानी है। तो ऐसा डिज़ाइन मैं इन तीनों जगह पर भी बना लूँगी। तो देखिए सेम तरीके से मैंने ये पूरा डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया। अगर मेरी डिज़ाइन अच्छी लगे, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी बनी थी। थैंक यू।